हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सतीशालय। आज हम एक नए वीडियो की बात करेंगे और उस वीडियो में हम आज बात करेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ये 13th नंबर की कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये इंडिया में हो रही है। 13th नंबर की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भारत में हो रही है, भारत के गांधीनगर शहर में हो रही है। तो ये कॉन्फ्रेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में हो रही है। आप लोगों को हम एक बात बता दें, जो भी कॉन्फ्रेंस इंडिया में होती है वो कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा है 13th कॉन्फ्रेंस, इंडिया टू होस्ट 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ये जो वाइल्ड एनिमल्स जो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसकी ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है और वो इंडिया में होने वाली है। ये एक एनवायरनमेंट ट्रीटी है जो कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के तहत होती है, इसके अंडर ये कन्वेंशन होती है। अब जब हम UNEP की बात कर रहे हैं तो हमें बात करनी पड़ेगी कि ये UNEP है क्या, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर नैरोबी में है। नैरोबी आप सबको पता है, नैरोबी इज इन केनिया। नैरोबी कहाँ पे है, केनिया में है। ये जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम बना था, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 1972 में एक यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बना था। इस कॉन्फ्रेंस का काम है एनवायरनमेंट रिलेटेड ट्रीटीज करना। अब आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 130 से ज़्यादा लोग आने वाले हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 129 पार्टीज, बट बहुत सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स में 130 भी लिखा है और बहुत सारे NGOs जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई भी काम कर रहा हो वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा। क्या भारत इसका मेंबर है? वैसे तो ये सवाल पूछा ही नहीं जाना चाहिए था क्योंकि ये भारत में कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो जब भी कोई भी कॉन्फ्रेंस भारत में होती है या फिर किसी और देश में होती है तो ऑटोमेटिकली वो उसका मेंबर होता है, तभी वहाँ पर वो होती है। ऐसा रेयरली कभी होगा जब कोई देश उसका मेंबर ना हो और वो कॉन्फ्रेंस वहाँ पे हो। तो भारत इसका मेंबर है, क्योंकि ये भारत में हो रही है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। भारत इसका मेंबर 1983 में बना था। ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स है, इसकी स्थापना भी फॉर्मली जो हुई है 1983 में हुई है, बोन जर्मनी में हुई है, इसलिए इसको बोन कन्वेंशन भी कहते हैं। अब इस स्लाइड में हम जानेंगे माइग्रेटरी स्पीशीज़ क्या होती है। माइग्रेटरी स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती है जो स्पीशीज़ मूव करती है एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट की तरफ मूव करती है। उसके बहुत सारे कारण रहते हैं, जैसे कि खाना अवेलेबल ना हो, सनलाइट, टेम्परेचर, क्लाइमेट, और इसलिए वो हज़ारों किलोमीटर मूव करते हैं। जब वो मूव करते हैं तो लेट अस सपोज वो एक स्टेशन से बी स्टेशन मूव करते हैं तो बीच में इंटरमीडिएट ब्रेक्स भी उनकी होती है। ये बोन कन्वेंशन क्या है? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द माइग्रेटरी स्पीसीज थ्रू आउट देयर रेंज कंट्रीज, अ कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज हैज़ बीन एनफोर्स अंडर द एजेस ऑफ UNEP, इसलिए इसको बोन कन्वेंशन भी हम कह रहे हैं। अब आगे देखते हैं अपेंडिक्स वन। अब ये जो बोन कन्वेंशन है, या फिर आप बोल सकते हैं जो हमारी कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स है, इसमें हमने अपेंडिक्स वन अपेंडिक्स टू में कैटेगराइज कर रखा होता है। अपेंडिक्स वन में वो स्पीसीज होती है जो स्पीसीज बहुत ज़्यादा खतरा होता है, जिनका एक्सटेंशन का लुप्त होने की कगार पर जो स्पीसीज होती है, उन स्पीसीज को हम अपेंडिक्स वन में रखते हैं। जैसे यहाँ लिखा भी है, अंडर दिस कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पीसीज थ्रेटन्ड विद एक्सटेंशन आर लिस्ट इन अपेंडिक्स वन एंड द पार्टीज स्ट्राइव टुवर्ड्स स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टिंग दीज एनिमल्स, कंजर्विंग और रिस्टोरिंग द प्लेसेज वेयर दे लिव, मिटिगेटिंग ऑब्स्टेकल्स टू माइग्रेशन एंड कंट्रोलिंग अदर फैक्टर्स दैट माइट एंडेंजर देम।
मतलब जो भी देश में वो स्पीशीज रहती है वहाँ उनको हमको बचाना है, उनकी माइग्रेशन को भी, जो बाधाएं आएगी उनकी माइग्रेशंस में उनको भी हमको प्रोटेक्ट करना है। आगे ये कहते हैं, अगली स्लाइड में कहते हैं अपेंडिक्स टू, अपेंडिक्स टू में कहते हैं माइग्रेटरी स्पीशीज दैट नीड और वुड सिग्निफिकेंटली बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल कोऑपरेशन आर लिस्टेड इन अपेंडिक्स टू। मतलब अभी ये स्पीशीज उतना खतरा इनको नहीं है जितना कि अपेंडिक्स वन की स्पीशीज को है। तो ये जो अपेंडिक्स टू की स्पीशीज है इन स्पीशीज को भी खतरा है, बट स्टिल दे आर नॉट दैट मच इन डेंजर। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, अब ये बताते हैं कि एक सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है, भारत इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में आता है। मतलब हुआ यूँ कि साइबेरिया से जब स्पीशीज आती है इंडिया आएगी या फिर कहीं और जाएगी, तो हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है वो भी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में आता है। जैसे यहाँ लिखते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मेजर वर्ल्ड फ्लाईवे नेटवर्क दैट इज द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे दैट कवर्स एरियाज बिटवीन आर्कटिक एंड इंडियन ओशन। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे आर्कटिक और इंडियन ओशन के बीच का एरिया को कवर करता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट यहाँ है, जिससे हमको ये पता चलता है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी स्पीशीज जो है माइग्रेटरी एनिमल्स की, माइग्रेटरी बर्ड्स की, वो यहाँ से होते हुए जाती है। अब हम आगे देखेंगे, अगली स्लाइड हमारी नेशनल एक्शन प्लान। भारत ने भी एक काम किया है, इंडिया ने भी एक लॉन्च किया है नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज अंडर सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के तहत के अंडर ही हमने भी एक नेशनल एक्शन प्लान लाया है जिसमें कि हम माइग्रेटरी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जब कोई कॉन्फ्रेंस और कन्वेंशन होती है तो उसकी जो थीम होती है वो पूछी जाती है। इसकी थीम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये भारत में हो रही है। इसकी थीम क्या है, माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम। माइग्रेटरी स्पीशीज प्लैनेट्स को कनेक्ट करती है और हम मिलके उनको अपने घर में उनका स्वागत हम करते हैं। अब मैस्कॉट क्या है, मैस्कॉट जो इसका है वो है गिब्बी, उसको इन्होंने नाम दिया है। क्या नाम दिया है, गिब्बी। गिब्बी का मतलब है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, रिप्रेजेंटिंग ऑल द एंडेंजर्ड स्पीशीज दैट नीड आर लव केयर एंड प्रोटेक्शन। मतलब जो ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है जितनी भी स्पीशीज है जो एंडेंजर्ड है, जिनको हमारे प्यार की जरूरत है, केयर की जरूरत है और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो आपसे पूछा जाएगा मैस्कॉट क्या है, या वहाँ ऑप्शन में गिब्बी होगा या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लिखा होगा। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। अब हम इस मैस्कॉट के बारे में थोड़ा और जानेंगे। ये जो मैस्कॉट है हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो मैस्कॉट है, ये हमारे इंडिया में महाराष्ट्र, गुजरात, डेक्कन प्लेट्यू के रीजन्स में मिलता है। ये पहले पूरे अपना जो थार डेजर्ट है वहाँ पे ये पाया जाता था, बिकॉज इसको हंटिंग की जाती है इसकी पाकिस्तान में, उसके एडजेसेंट एरियाज में, तो इसलिए अब ये बहुत ज़्यादा खतरा इसको हो चुका है। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेक्कन प्लेट्यू ऑफ द पेनिनसुला। आज इसकी जो पॉपुलेशन है दैट इज मेनली कन्फाइंड मोस्टली टू राजस्थान, गुजरात और थोड़ा सा एरिया महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का एरिया है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो प्रोमिनेंटली ये गुजरात और राजस्थान पे रहते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के की फैक्ट्स क्या है, जैसे हमने बोला ये एंडेंजर्ड है स्पीशीज, तो इसमें जो हमारा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 में ये आया था, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, तो 1972 में आया था। इन द CMS कन्वेंशन ऑल्सो भी ये मैंशनड है और वहाँ पे भी ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है। अपेंडिक्स वन ऑफ साइट्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसको माना गया है IUCN की रेड लिस्ट में। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान में भी इसका जिक्र है, ये लिस्टेड है। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा खतरे में है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। प्रॉबेबल क्वेश्चन फ्रॉम द वीडियो, अब हमारी वीडियो पूरी अंत हो चुकी है, हमने सारा ये पढ़ लिया है। हमारी अब ये कोशिश रहेगी हर वीडियो में हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू लाएं। इस वीडियो में भी हम
लास्ट में कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो हमने अभी पढ़ा है. पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल हेड. आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना होगा. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये भी हमने डिस्कस किया है. थीम क्या है 13 कन्वेंशन की, वो भी आपको बताना है. व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ 13 कॉन्फ्रेंस, गिबी इज द स्टेट बर्ड ऑफ विच स्टेट, ये सब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है. हमारी कोशिश रहेगी हम आपके लिए कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस लाए, कुछ बर्निंग टॉपिक्स लाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.